दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सिंह एक नेवल साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की चर्चा करेंगे जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 126 में दिया हुआ। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। तो देखिए, सीधे साधे शब्दों में अगर हम कहें तो ये भी कह सकते हैं कि गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट एक तीसरे पक्षकार द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन के पालन या उसके दायित्व तो निर्वाह करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं उदाहरण के द्वारा कि मिस्टर बी ए के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए लोन दे दीजिए। तो ये कहता है कैसे कैसे लोन दे दे, ऐसा कोई गारंटर पकड़ के लाइए जो आपकी गारंटी लेता हो तो हम दे दें। बी जाते हैं सी के पास, कहते हैं कि सर अगर आप गारंटर हो जाएं तो मुझे 1 लाख रुपए का लोन ए आसानी से दे सकता है। सी तैयार हो जाता है। बी और सी दोनों ए के पास जाते हैं। सी बोलता है कि हम उस 1 लाख रुपए की गारंटी लेते हैं, आप उनको पैसे दे दीजिए। तो यह गारंटी क्या मतलब होता है कि अगर बी नहीं पे करेगा तो सी पे करने का प्रॉमिस करते हैं। इसी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ देखेंगे तो तीन पार्टीज हो जाती हैं। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी। यहाँ सी श्योरिटी है, क्यों? क्योंकि वही तो गारंटी दे रहे हैं। दूसरा पक्षकार कौन होता है? प्रिंसिपल डेटर। तो द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर। जिसके डिफॉल्ट की गारंटी दी जाती है उसे प्रिंसिपल डेटर बोलते हैं। तो यहाँ किसके डिफॉल्ट की गारंटी दी जा रही है? यहाँ बी के डिफॉल्ट की गारंटी दी जा रही है कि अगर ये 1 लाख रुपये नहीं पे करते तो मिस्टर सी करेंगे। तो बी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डेटर। थर्ड पार्टी होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? द पर्सन टू होम गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड क्रेडिटर। जिस पर्सन को गारंटी दी जाती है उसे क्रेडिटर कहा जाता है। सिक्योरिटी कौन हुआ? जो कि गारंटी दे रहा है। प्रिंसिपल डेटर कौन हुआ? जिसके डिफॉल्ट की गारंटी दी जा रही है। क्रेडिटर कौन हुआ? जिसको गारंटी दी जा रही है। अब देखिए एक बात और है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होता है वो एक्सप्रेसिव होना चाहिए, यानी या तो ओरल हो या रिटन हो। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं, यानी विवक्षित का कोई इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का कोई सवाल ही नहीं उठता गारंटी में। यह एक्सप्रेसिव होना चाहिए, यानी ओरल या रिटन। एक बात और जान लीजिए कि गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके का होता है। यहाँ देख सकते हैं, एक तो जनरल गारंटी होती है, कंटेनिंग गारंटी होती है। जनरल गारंटी तो 126 में दिया हुआ है कि एक बार की एक ट्रांजेक्शन की गारंटी होती है। दूसरी जो कारण गारंटी होती है उसे कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं, और कंटिन्यूइंग गारंटी की चर्चा की है सेक्शन 129 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का धारा 129 जो है वो चर्चा करता है कंटिन्यूइंग गारंटी। यानी कंटिन्यूइंग गारंटी इज द गारंटी विच एक्सटेंड टू सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस। यानी एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शंस की जब आप गारंटी लेते हैं तो इसे कहा जाता है कि ये कंटिन्यूइंग गारंटी है। देखिए इसको ऐसे एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि मिस्टर ए किसी शहर में गए हैं और एक ये एक्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मकान किराए पर दे दीजिए। फिर अजनबी आदमी को कौन मकान किराए पर दे, कल को ये सामान अभी इनके पास है नहीं, या सामान लेकर के चलते बने तो एक्स ढूंढता ही रह जाएगा। तो एक्स ने कहा कि ठीक है, हम आपको किराए पर मकान दे देते हैं, लेकिन आप एक गारंटर पकड़ के लाइए, इसे श्योरिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ए एस के पास गए, आप कह सकते हैं कि एस उनके रिलेटिव थे उस शहर में। उन्होंने कहा कि आप चल चलिए मेरे साथ, मुझे मकान मिलने में दिक्कत आ रही है, और आप चलेंगे या श्योरिटी हो जाते तो मुझे काम मकान मिल जाता। तो ए और एस दोनों एक्स के पास जाते हैं तो और एक्स बोलता है कि आप मिस्टर ए को मकान दे दीजिए, अगर वो नहीं पेमेंट करते हैं किराया तो हम उनका पेमेंट कर देंगे। तो एक्स ने पूछा कि आप कितने दिन की गारंटी लेते हैं भाई? तो एस ने कहा कि देखिए मैं 4 महीने तक ही किराए की गारंटी ले रहा हूँ। तो यहाँ देखिए जो 4 महीने तक है वो एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, यानी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना। तो एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन से गारंटी लेते हैं, तो इसलिए इस गारंटी को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूइंग गारंटी।